इस देश में जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने जय श्री राम के नारे को सांप्रदायिक बना दिया है, उसी तरह गौ सेवा को भी कट्टर हिंदुत्व और पिछड़ेपन से जोड़कर हमारे देश में कुछ लोग देखते हैं। कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं। अगर आप आज भी कहीं बाहर जाकर कहें कि मैं गौ सेवा करता हूं, तो बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप आज बाहर जाकर गौमूत्र की बात कर दें, गौ सेवा की बात कर दें, कह दें कि गाय हमारी माता है, तो बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको अनपढ़ समझेंगे, आपको पिछड़ा हुआ समझेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि आप कट्टर हैं, आप कट्टर हिंदू हैं, आपसे थोड़ा बचकर चलेंगे। खासतौर पर ऐसे लोग जो अपने आप को सेकुलर समझते हैं, जो अपने आप को धर्म निरपेक्ष समझते हैं और अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं। लेकिन आज हम आपको एक और बहुत बड़ा बदलाव इस देश का दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज हम आपको देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री से मिलवाएंगे जो खुद अपने सरकारी आवास में गायों को पालते हैं और खुलकर गौ सेवा भी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गौ सेवा करने की तस्वीरें और उनका वीडियो आजकल चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत सारे लोग उन छोटी छोटी गायों के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी चारा खिला रहे हैं। आज हम आपको गाय की इस नस्ल के बारे में बताएंगे जो आकार में इतनी छोटी है कि आप पालतू जानवरों की तरह उन्हें अपने अपार्टमेंट में भी पाल सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिस 11 दिनों के विशेष व्रत अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं, उसमें उपवास के दौरान जमीन पर सोने के साथ साथ नियमित रूप से गौ सेवा भी करनी होती है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी प्रतिदिन अपने आवास पर अभी गौ सेवा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर कुल 8 से 10 गायों को पाला हुआ है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो अपने सरकारी आवास पर गायों को पालता है और प्रधानमंत्री मोदी के घर पर इस समय 8 से 10 गाय उन्होंने रखी हुई हैं जिनकी वो सेवा करते हैं और ये सभी भारतीय नस्ल की गाय हैं। और इनमें भी जिस गाय की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम है पुंगानुरु गाय, जिसकी हाइट 70 से 90 सेंटीमीटर यानी समझ लीजिए 2.5 से 3 फीट के बीच होती है और ये दुनिया की सबसे छोटी गाय है जो कुछ वर्षों पहले तक विलुप्त होने की कगार पर थी। यानी अगर इसकी हाइट देखेंगे आप तो जहां मेरा हाथ है शायद इतनी होगी उसकी हाइट। इन गायों को पुंगानुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नस्ल की गाय आंध्र प्रदेश के उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसे पुंगानुरु कहते हैं। यानी असल में पुंगानुरु एक जगह का नाम है और यह क्षेत्र चित्तूर जिले में पड़ता है और इस पुंगानुरु क्षेत्र में जो गाय पाई जाती है उसी के नाम पर इस गाय का नाम पड़ा है। इन गायों का वजन ज्यादा से ज्यादा 200 किलोग्राम होता है और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस नस्ल की गाय चारा कम खाती है और सामान्य गायों की तुलना में इनका दूध भी ज्यादा गाढ़ा होता है, पौष्टिक होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस नस्ल की एक गाय प्रतिदिन 5 किलोग्राम के आसपास चारा खाती है और औसतन 1 से 3 लीटर दूध रोज देती है। और बड़ी बात यह है कि इनके दूध में फैट की मात्रा 8% तक होती है, जबकि विदेशी और दूसरी नस्ल की गायों के दूध में फैट की मात्रा 3 से 3.5% तक ही होती है। इसके अलावा इन गायों का पीछे का हिस्सा नीचे की ओर झुका होता है और इनकी पूंछ लंबी होती है जो जमीन को छूती है और इनके सींग कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं और इस नस्ल की ज्यादातर गायों का रंग सफेद होता है। इस नस्ल की एक गाय की कीमत 1 लाख से 10 लाख रुपए तक कहीं भी हो सकती है और इस गाय के 1 लीटर गौमूत्र की कीमत 10 रुपए है, जबकि इसके 1 किलोग्राम गोबर की कीमत 5 रुपए है। और यह भारत की वो गाय है जिसे प्राचीन समय में ऋषि मुनि भी पाला करते थे और अगर आप चाहें तो आप भी इसे किसी पेट एनिमल की तरह, जिन आजकल आप देखते होंगे कि घरों में लोगों ने अपने अपार्टमेंट्स में, अपने फ्लैट्स में या जहां भी वो रहते हैं, आजकल एक नया चलन चला है लोग पालतू जानवर अपने घर में जरूर रखते हैं, तो आप भी किसी पालतू जानवर की तरह बड़ी आसानी से अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में इस गाय को पाल सकते हैं, क्योंकि ये गाय बाकी के पालतू जानवरों के बराबर ही उतनी ही जगह में आसानी से रह सकती है। भारत में गायों की लगभग 50 नस्लें हैं और वर्ष 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में इस नस्ल की गायों की संख्या सिर्फ 2772 थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन गायों के संरक्षण पर तेजी से काम हुआ है और वर्ष 2019 में इन गायों की संख्या 13,275 पहुंच गई। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब से भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को इन गायों के साथ देखा है, तब से देश में गौ सेवा करने वाले लोग इन गायों को खरीद कर
पालने की इच्छा जता रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में इन गायों की जो सबसे बड़ी गौशाला है उसके मालिक को पिछले 24 घंटों में ही सैकड़ों लोग फोन करके इन गायों को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। और इससे आप ब्रांड मोदी की ताकत को आज अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस देश ने पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जिसे अपने हिंदू होने पर, अपने हिंदू संस्कारों पर वो बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। और पहली बार देश ने ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जिन्होंने खुलकर अपने सरकारी आवास में इस तरह से गौ सेवा की है और बताया है कि वो किस तरह के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा पेट डॉग्स को पालने की बड़ी पुरानी परंपरा रही है और इन पेट डॉग्स को वहां पेट्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स कहा जाता है। और वहां ये परंपरा है, आपने देखा होगा वहां जो जितने भी राष्ट्रपति हैं वो हमेशा एक पेट डॉग जरूर रखते हैं अपने व्हाइट हाउस में और उसके साथ उनके वीडियोस भी अक्सर जारी होते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है जिसमें वो अपने प्रधानमंत्री आवास पर गायों को पाल रहे हैं और गौ सेवा करके उन विपक्षी नेताओं को भी एक तरीके से जवाब दे रहे हैं जिन्होंने हाल ही में यह कहा था कि बीजेपी को वही लोग वोट देते हैं जो गौमूत्र वाले राज्यों में रहते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। आपने देखा होगा हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और कई बड़े राज्यों में बीजेपी जीत गई थी तब कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था। दक्षिण भारत के नेता भी अक्सर ये मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि गौमूत्र और गोबर वाले जो राज्य हैं उनके लोग बीजेपी को वोट देते हैं और एक तरीके से ये उपहास किया जाता है। आज ऐसे तमाम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने कड़वे वाक्य द्वारा नहीं, कड़वे शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि सिर्फ गौ सेवा की इस वीडियो के जरिए अपना एक जवाब दे दिया है और इसी को कहते हैं सही जवाब देना। आज आपको ये भी देखना चाहिए कि जब विपक्ष के नेता राम मंदिर पर लगातार राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगातार अपशब्द कह रहे हैं, तब देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी की राम नीति देख रहे हैं। तो इस समय ब्लैक और व्हाइट की तरह आप देखिए, एक पक्ष वो है जो राम मंदिर के खिलाफ है, जो कहता है नहीं राम मंदिर पर तो राजनीति हो रही है, जो कहता है कि हम प्राण प्रतिष्ठान के दिन राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे और राम मंदिर को लेकर भी तरह तरह की बातें करता है। कुछ कहते हैं कि अभी राम मंदिर पूरा नहीं हुआ है,
अभी अधूरा है, कोई कुछ कमियां निकाल रहा है, कोई कुछ कमियां निकाल रहा है, और लगातार कड़वे वचन कहे जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा, गौमूत्र वाले राज्य, गोबर वाले राज्य, हिंदुओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी को इसका क्या जवाब देना चाहिए और वो कैसे जवाब दे रहे हैं। ये पूरी राजनीति कड़वी हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है, अंग्रेजी में कहें तो टॉक्सिक हो चुकी है। विपक्ष के नेता हर रोज हमला कर रहे हैं। अब उस हमले का प्रधानमंत्री मोदी जवाब कैसे देते हैं, देखिए। वो वापस हमला नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो गौ सेवा कर रहे हैं, वो मंदिर में साफ सफाई करके अपना श्रमदान कर रहे हैं, वो पोंगल का त्योहार मना रहे हैं, संक्रांति पर पूजा कर रहे हैं, वो राम भक्ति में पूरी तरह से लीन है, वो उपवास अनुष्ठान कर रहे हैं। तो जहां सारे लोग उन पर इतना प्रहार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस समय 11 दिन के उपवास पर है, उपवास अनुष्ठान पर है, जिसमें वो कोई राजनीति की बात ही नहीं कर रहे हैं। आजकल बिल्कुल चुप है। तो इन तस्वीरों में आप देखिए कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी कैसे देते हैं। गौ सेवा के जरिए देते हैं, मंदिर में सफाई करके श्रमदान के जरिए देते हैं, पूजा पाठ करके देते हैं, और उपवास अनुष्ठान करके वो अपना जवाब दे रहे हैं। और इस समय अगर आप कहें तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग रूप में पाएंगे, और वो रूप ये है कि इस समय वो पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री का धर्मनिरपेक्ष होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो अपने हिंदू होने पर शर्मिंदा होने लगे, और वही बात आज प्रधानमंत्री मोदी कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व नहीं होता था, बल्कि वो अपने हिंदू होने पर शर्मिंदा हुआ करते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री इस बार अलग है। गौ सेवा की तरह हमारे देश में रामायण और गीता पढ़ने वाले लोगों को भी पिछड़ा हुआ बताकर उन्हें कट्टर हिंदू बताया गया है। लेकिन अब हमारे देश में एक ऐसा बदलाव आ रहा है जिसमें लोग गर्व से कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं। देखिए, ये भी एक बड़ा बदलाव है। आज असल में आप देखें पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपको बदलाव ही बदलाव दिखाई देगा। अयोध्या में फैजाबाद से अयोध्या हुआ, 1990 से अब क्या बदलाव आया। प्रधानमंत्री मोदी कैसे नए बदलाव के साथ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जवाब दे रहे हैं, उनके कड़वे वचनों का जवाब दे रहे हैं, गौ सेवा के जरिए, उपवास अनुष्ठान के जरिए, मंदिरों में साफ सफाई के जरिए।